सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मनोकामना पूरक नाग पंचमी के बारे में। भक्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहा जाता है। इस दिन नागों का पूजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस पंचमी तिथि के स्वामी नाग है, अतः यह नागों की तिथि है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाग जाति की उत्पत्ति हुई थी। गरुण पुराण के अनुसार भी इस दिन घर के दोनों तरफ नागों का प्रतीक बनाकर अनंत आदि प्रमुख नागों का पूजन किया जाता है। स्कंद पुराण के नगर खंड में वर्णन मिलता है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को चमत्कारपुर में रहने वाले नागों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी तरह नाट्य प्रकाश में सर्प के डसने से बचाव हेतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नाग व्रत करने का विधान वर्णित है। नाग के डसने से बचने के लिए परिवार के सदस्यों को भाद्रपद मास की कृष्ण पक्षीय पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाना चाहिए। नाग पंचमी व्रत में चतुर्थी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन सोने, चांदी, लकड़ी या मिट्टी के कलश के द्वारा हल्दी व चंदन की स्याही से 5 फणधारी सांप बनाएं और खीर, कमल, पंचामृत, धूप, दीप, नैवेद्य से नागों का यथाविधि पूजन करें। पूजनोपरांत ब्राह्मणों को लड्डू या खीर का भोजन कराएं। जो व्यक्ति नाग पंचमी को नाग पूजा करता है उसे उस दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए। पूर्व काल में इस दिन हलों को गोबर व गेरू के मिश्रण से लीपा जाता है, उसके बाद विधिवत नाग पूजन किया जाता है। पूजन हेतु एक रस्सी में 7 गांठें लगाकर उस रस्सी का सांप बनाकर लकड़ी के पटरे पर विराजमान करके हल्दी, रोली, अक्षत मतलब चावल, पुष्प द्वारा नाग पूजन किया जाता है। तत्पश्चात कच्चे दूध, घृत अर्थात घी, शक्कर मिलाकर लकड़ी के पटरे पर विराजमान सर्प को अर्पित कर पूजन करें। पूजनोपरांत सर्प देवता की आरती करें, फिर कच्चे दूध, शक्कर, शहद मिलाकर जहां सांप की कांची हो वहां पर डाल दें। वहां से मिट्टी लाकर चक्की चूल्हे दीवार पर सांप बनाएं तथा भीगे हुए बाजरे, घृत, गुड़ से पूजन करके दक्षिणा अर्पित करें। घृत के दीपक से आरती उतारकर नाग पंचमी की कथा सुने। आइए कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक किसान रहता था। उसके 2 लड़के व 1 लड़की थी। एक दिन जब वह खेत में हल चला रहा था तब हल से सांप के 3 बच्चे मर गए। बच्चों के मरने से नागिन विलाप करने लगी और बच्चों के हत्यारे से बदला लेने का निश्चय किया। एक रात जब किसान बच्चों के साथ शयन कर रहा था तब नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों पुत्रों को डस लिया। अगले दिन किसान की लड़की आई तो उसने भयभीत होकर नागिन के सामने दूध का कटोरा रखा और क्षमा मांगने लगी। संयोगवश उस दिन नाग पंचमी थी, अतः नागिन ने प्रसन्न होकर उस लड़की को वर मांगने के लिए कहा। तो लड़की बोली कि यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे माता पिता तथा भाई को जीवित कर दो। आज के दिन जो भी नागों का पूजन करे उसे आप ना डसें। तथास्तु कहकर नागिन चली गई और किसान का परिवार जीवित हो गया। उस दिन से नाग पंचमी के दिन खेत में हल नहीं चलाया जाता, ना ही फसल काटी जाती है। एक विशेष बात का ध्यान रखें, अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंकल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक तथा कालिया, इन 9 नागों का नित्य सवेरे स्मरण करने से सर्पों का भय नहीं रहता अपितु धन प्राप्त होता है। दत्तात्रेय, दत्तात्रेय का नाम आप सभी ने सुना होगा। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं में से एक गुरु नाग देवता थे। भगवान शिव ने भी वासुकी नाग को गले में धारण किया हुआ था।